अब खबरें विस्तार से। गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस की बकलाहट करार दे रहे हैं, तो दौरे को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया है। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जुगलबंदी पर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेसी नेताओं की हालत पतली होने की बात कही है। गत दिनों हमीरपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एक दिवसीय दौरे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे को लेकर जहां बीजेपी के नेता कांग्रेस की बौखलाहट करार दे रहे हैं, तो दौरे को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया है। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जुगलबंदी पर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेसी नेताओं की हालत पतली होने की भी बात कही। कांग्रेस पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे को फ्लॉप करार दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लंबू में उप तहसील का दर्जा कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन चुनावों के चलते इस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। इसमें भाजपा सरकार का कोई योगदान नहीं है। दूसरी ओर जो उद्घाटन किए गए वो भी कांग्रेस कार्यकाल में शुरू किए गए थे। हमीरपुर शहर की समस्याओं, बस स्टैंड के निर्माण आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री मौन रहे, इससे हमीरपुर की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की अनदेखी पर भाजपा नेता एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मुख्यमंत्री को उलहाना देते नजर आए, लेकिन मुख्यमंत्री ने राजनीतिक द्वेष के चलते हमीरपुर को कोई सौगात नहीं दी। मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी हमीरपुर जिला में आए, लेकिन अनमने मन से आए और कांग्रेस के वक्त जो योजनाएं शुरू की गई थी उनका उद्घाटन करके चले गए। यहाँ तक कि लंबलू तहसील जो कि कांग्रेस ने राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में जो है वो उसका जो है वो घोषणा हुई थी, उसी का उद्घाटन करके गए हैं। लबोलुआब ये है कि हमीरपुर ज़िला में मुख्यमंत्री का दौरा फ्लॉप रहा। जहाँ तक लोगों की बात है, उनकी शमूलियत भी बहुत कम हुई। यहाँ तक के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं वो अनदेखी से नाराज होकर कटे रहे, और यहाँ की अनदेखी की बात जो है यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडरान हैं उन्होंने भी इशारों में कईयों ने जो है वो शरेआम इस बात को कहा कि हमीरपुर ज़िला की अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री का हमीरपुर का दौरा पूर्णतः फ्लॉप रहा और हमीरपुर के लिए कोई भी सौगात जो है ये दौरा नहीं देकर गया। एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की जुगलबंदी से कांग्रेसी नेता घबराहट में हैं। दोनों नेताओं की परस्पर सहयोग तथा केंद्र और प्रदेश सरकार के तालमेल से कांग्रेस की हालत पतली होगी है। हाल ही में दोनों नेताओं के हमीरपुर दौरे के दौरान जिला में करोड़ों रुपए के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए गए। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन दोनों नेताओं ने कांग्रेस जो इस विश्वविद्यालय को स्थानांतरित करना चाहती थी उनको जोर का झटका दिया है। शर्मा ने कहा कि अब केंद्र और प्रदेश सरकार का डबल इंजन काम कर रहा है और प्रदेश विकास के पथ पर तेजी गति से आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही हमीरपुर जिला के विकास में अड़ंगा डालने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी की जुगलबंदी हमीरपुर जिला के कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही। हाल ही में दोनों नेताओं के हमीरपुर दौरे के दौरान हमीरपुर जिला की जनता को करोड़ों रुपए की सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन का उद्घाटन करके दोनों नेताओं ने हमीरपुर जिला के कांग्रेस नेताओं को और प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को जोर का झटका दिया। जो लगातार कांग्रेस पार्टी इस विश्वविद्यालय को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने की बातें करती रही, षड्यंत्र रचती रही, लेकिन उसका लोकार्पण करके हमीरपुर जिला की जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसके अतिरिक्त दोनों नेताओं ने हमीरपुर जिला में ही हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 233 केवी के सब स्टेशन स्थापित करने का शिलान्यास किया है, जिससे आने वाले समय में
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुचारू बिजली की आपूर्ति की जाएगी और हमीरपुर जिला के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला में ही आईपीएच विभाग के निरीक्षण कुटीर का भी लोकार्पण किया गया है। इसके साथ साथ हमीरपुर जिला में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। लंबलू क्षेत्र में उप तहसील बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। इसके लिए इन सारे कार्यों के लिए जहां स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं, वहीं कांग्रेस नेताओं को ये सारा विकास दिखाई नहीं दे रहा है और वो लगातार हमीरपुर के विकास में अड़ंगा डालने का प्रयास करते रहे और हमीरपुर की जनता को झूठ बोलकर हमेशा गुमराह करने का प्रयास उन्होंने किया है। कांग्रेस के नेताओं ने हमीरपुर जिला में केवल झूठी घोषणाएं की है जो कभी धरातल पर नहीं उतरी, लेकिन भाजपा नेताओं ने जो घोषणाएं हमीरपुर में की वो धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है और हमीरपुर जिला की जनता जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है, वहीं आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने प्रदेश के विकास में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का वायदा किया है। लेकिन ये सारी चीजें कांग्रेस नेता इन दोनों नेताओं की जुगलबंदी से घबराहट में है और हमीरपुर जिला के साथ भेदभाव की झूठी बातें करते हैं, लेकिन हमीरपुर की जनता इन कांग्रेस के झूठी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं है और आने वाले समय में केंद्र और प्रदेश सरकार डबल इंजन के रूप में काम करते हुए हिमाचल प्रदेश को दोनों नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ाएगी और हिमाचल प्रदेश विकास के नए आयाम छुएगा, ऐसी हमारी आशा है।